हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आ रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी खबर है। आपको बताकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सीएम अशोक जी गहलोत सीएमओ में मंत्री बी डी कलावर गोविंद जी डोटासरा को बुलाया है सीएमओ। दोस्तों, सरकार में खलबली मच चुकी है। अब हमारा फिर जो भी फैसला आएगा हमारे पक्ष में आने वाला है। दोस्तों, बेफिक्र रहिए जी और आंदोलन लगातार जारी रखिएगा रात और दिन। कल तक अच्छी खबर आने के आसार है। दोस्तों देखो, कठिन परिश्रम हमेशा काम आता है। जो भी दोस्त अभ्यर्थी भाई सबने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञापन दिया, और जो भी अभ्यर्थी भाई लोग जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचकर आंदोलन का हिस्सा बने, उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ऐसे लगे रहिएगा गवर्नमेंट को हम झुका के छोड़ेंगे। तो दोस्तों, सिग्नल ऐसा मिल रहा है कि गवर्नमेंट झुक चुकी है, फैसला हमारे फेवर में आएगा 100% में बोल रहा हूँ। हम दोस्तों बहुत खुशी हो रही है ये खबर देख करके। एक खबर और सुनाना चाहूँगा दोस्तों आपको। वो खबर है, ये है कालीचरण जी श्राप, जो पूर्व भूतपूर्व आपके आरपीसी चेयरमैन रह चुके हैं, वो अभ्यर्थियों के बीच में आ चुके हैं जयपुर के अंदर, और अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ जंग लड़ने के लिए, और हम आरपीसी फर्स्ट गेट की डेट को एक्सटेंड करवा के ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का ये ट्वीट है। कालीचरण सराफ ने दिया बेरोजगारों को समर्थन, सराफ पहुंचे राजस्थान विश्वविद्यालय, धरना दे रही युवाओं को दिया समर्थन, स्कूल व्यवस्था भर्ती परीक्षा स्थगित कराने के लिए दे रहे हैं धरना। दोस्तों, इसका क्लिप मैं लास्ट में आपको अटैच कर रहा हूँ, वो भी क्लिप भी देखिएगा हमारा। जैसे कि हम एकदम जायज एकदम फैक्ट बेसिस न्यूज के लिए हमारा चैनल प्रतिबद्ध है, वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और एक इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको सजेशन हो, आपको सपोर्ट करना हो, तो आपका कुछ ना कुछ आप कमेंट करके हमें बताइएगा आपका क्या राय है। जो भी राय है बिल्कुल कमेंट करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, कालीचरण जी श्राफ हमारे फेवर में आ गए हैं। देखते हैं कल और भी लोग आएंगे फेवर के अंदर। कल हमारा प्लान है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये आंदोलन छेड़ने का, जैसे कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय पे टिके हुए हैं, हमारे अभ्यर्थी और भाई और बहन गण सारे वहाँ पे रात भर एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे ही, जब तक हमारा फाइनल प्रेस नोट जारी नहीं कर दिया जाएगा एग्जाम एक्सटेंड होने का, एग्जाम के डेट बढ़ोतरी का, तब तक हम वहीं पे टिके रहेंगे। तो दोस्तों, वंस अगेन थैंक्स जो भाई लोग वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुँचे और वहाँ पे आंदोलन का हिस्सा मिले उनका भी, और जो इनडायरेक्टली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, कल की डेट में सब जो भी आसपास के जयपुर के वो पधार के एक आंदोलन का हिस्सा बन करके अभ्यर्थियों का एक मोटिवेशन बढ़ो, उनका हौसला बढ़ो, जिससे कि गवर्नमेंट को झुकाया जा सके। जैसे कि अभी मीटिंग चल रही है सेमी हाउस में, देखते हैं अच्छा रिजल्ट आएगा, हम जो भी आएगा हमारे फेवर में आएगा फैसला। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए हमारे चैनल पे हर पल पल की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सभी धरनार्थी भाइयों और बहनों, अभी मेरे से एक प्रतिनिधिमंडल परीक्षा स्थगित करने के लिए मिला, और जो कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए बताए गए वो निश्चित रूप से उचित है। लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने से निश्चित रूप से जो परीक्षार्थी हैं उनको मानसिक तनाव भी रहता है और वो उचित तैयारी भी नहीं कर पाता। मैंने आरपीएससी के चेयरमैन आदरणीय दीपक जी उप्रेती से बात की, उन्होंने
उन्होंने कहा कि हमारे पेपर छप चुके हैं, यदि हम अब परीक्षा का को स्थगित करते हैं तो निश्चित रूप से 5 करोड़ रुपया आरपीएससी का खर्च होता है और आरपीएससी के पास ज्यादा फंड नहीं है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो 5 करोड़ रुपए आरपीएससी को दे और आरपीएससी परीक्षा को स्थगित करने में कहीं उनको दिक्कत नहीं है। ये मामला राज्य सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करता है और मुख्यमंत्री जी, जैसा आपको पता है कि वो बातचीत की भाषा को नहीं समझते, वो आंदोलन की भाषा को समझते हैं। मैं क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते विश्वविद्यालय से संबंधित भी रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री के नाते मेरा छात्रों से और टीचर से सबसे संपर्क रहा है और ये बात सही है कि लगातार 15-15 दिन के अंतराल के बाद यदि प्रतियोगी परीक्षाएं होगी तो कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी लगातार परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकता और परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्चित रूप से उसको समय चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपकी मांग का समर्थन करती है।